हाल चाल है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के दिन में आप लोगों का बहुत अच्छा गुजर होगा। तो व्यूअर्स यही से कहते हैं आज का अपना व्लॉग, तो व्यूअर्स यही से कहते हैं आज का अपना व्लॉग स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू फैसंगाजी व्लॉग। तो मैं आप लोगों को आज का सीन, आज का मौसम बताती हुई चलूं, दिखाती हुई चलूं बल्कि। तो जो मौसम है इस टाइम शाम हो रही है, हाँ मैं वो नहीं बता सकती, मैं वो नहीं बता सकती, लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारी बच्ची लग रही है। हैप्पी बर्थ आप लोगों को। मैं आज का सीन बताती चलूँ तो आज का सीन जो है वो थोड़ा सा संगीन किस्म का है। संगीन किस्म का इस तरह से है कि जो हमारी बच्ची है हॉस्टल की और जो अच्छा है उसकी तबीयत नहीं सही। अच्छा क्या हुआ है? ज्यादा बहुत ज्यादा हिला भी नहीं जा रहा, तो फिर चले हॉस्पिटल। जो हमारी बच्ची है हॉस्टल की, अच्छा उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमारा कल पेपर भी है और उस बच्ची से ना उठा जा रहा है ना हिला जा रहा है, बल्कि उसकी अच्छी खासी उसे अच्छा खासा तेज किस्म का बुखार है। तो बस आज हम चलते हैं अभी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है क्या नहीं होती। तो बस हॉस्पिटल पहुँच के और देखते हैं कि भाई डॉक्टर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। अच्छा क्या पता आपके पेपर ही कैंसिल हो जाए? नहीं होते कैंसिल, नहीं होते। डॉक्टर चलिए मैं सब आप लोगों को मिलते हैं डायरेक्ट अपने हॉस्टल एडमिट करवाते हैं। डायरेक्ट के बाद डायरेक्ट पहुँचते हैं आप लोगों को हॉस्टल, सॉरी हॉस्टल नहीं हॉस्पिटल पहुँच गए। तो फाइनली बस अभी बस हम लोगों ने हिजाब हजूब कर लिया हुआ है और हमारी बच्ची अस्पताल जाने के लिए प्रॉपर तैयार थी रो रही है। लेकिन खैर बस हॉस्पिटल राइड भी आ चुकी है हमारी नीचे राइड, लेकिन नहीं ये राइड हमारी नहीं है, ये किसी और की है। हमारी राइड आई आगे कहीं आई थी बैठी के बाद। खैर बस तैयार हो गए हैं और अभी बस चलते हैं हॉस्पिटल और करवाते हैं इसका चेकअप और देखते हैं कि इससे क्या मसला क्या नहीं मसला। अगर इसको संगीन कंडीशन हुई तो फिर तो हम आगे का प्लान नहीं बनाएंगे, लेकिन फौरी जब इसकी संगीन कंडीशन हुई तो फिर तो हम हॉस्पिटल इसे एडमिट करवा देंगे पेपर सुबारी की गोली। लेकिन अगर फौरी से बोली अगर ठीक ठूक हुई तो फिर निम्रा फिर हम आगे का प्लान बनाएंगे। ठीक है आप तैयार हो जाना, आपको कॉल कर दूंगी। आपने इन सब अपनी जो है ना जो बकरियां बकरियां इन सबको लेके आ जाना आप। ठीक है ये बकरी वो बकरी सारी की सारी बैठी हुई है और फिर आप इनको लेके आ जाना मैं फिर आप। लेकिन व्यूअर्स आप लोगों को कभी नहीं बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, अभी तक हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं। इसके बाद अगर उसकी तबीयत ठीक हुई फिर हम आगे का प्लान आपको बताएंगे, लेकिन वो बताएंगे आप लोगों को वहां पहुंच के फाइनल होने के बाद, अभी तक आपको नहीं बता रहे। तो चले मिलते हैं आप लोगों को डायरेक्ट राइड पे पहुंच के हॉस्पिटल पहुंच के। तो फाइनली व्यूअर्स हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और चलो अच्छा तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या डॉक्टर्स क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छे बच्चे आ जाओ, उन्हें कहने माशाल्लाह से हमारे पेशेंट तो बहुत खूबसूरत है। चलिए बस अब देखते हैं अंदर जाके भी अपनी क्या सूरत हाल होती है क्या नहीं। आ जाओ नहीं तो पर्ची कहाँ से बनेगी? ओपीडी से। हाँ ऑर्थोपेडिक बैठे हैं कब तक? किस टाइम पे मिलेंगे? मॉर्निंग में। एंड क्या टाइमिंग? इवनिंग दोनों टाइम है। वैसे इमरजेंसी में कोई डॉक्टर होंगे अवेलेबल? तो फाइनली व्यूअर्स हम लोगों ने चेकअप वगैरह तो इससे पर्ची वर्ची बन चुकी हुई है और चेकअप वगैरह भी करवा कर वो लिया हुआ है। अच्छा आप कैसी तबीयत है आपकी? अभी भी नहीं ठीक। नहीं ठीक, मेडिसिन जो उन्होंने दी है वो हाँ, जाके खाएंगे तो फिर कोई फर्क पड़ जाए। अभी अभी कोई तबीयत है कोई फर्क नहीं, वैसी ही तबीयत। चलो आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह तक आपको सेहत देगा इंशाल्लाह। चलो व्यूअर्स हमें चेकअप वेकअप करवा कर वो लिया हुआ है। राइट का बस अब वेट है, राइट वापसी आती है तो इसका आप सब भी दुआ करें हमारी इस बच्चे के लिए कि अल्लाह पाक इसे सेहत दे, जल्दी से ठीक हो जाए, फिर जल्दी जल्दी से हमारे एनर्जेटिक ब्लॉग्स हमारे आया करें विद अच्छा। इसके साथ प्रैंक प्रैंक तो नहीं सर अपने दिल पर ले लिया था आपने? नहीं क्या हो गया? नज़र लग गई आपको है ना? नज़र लग गई माशाल्लाह माशाल्लाह सब बोलते थे माशाल्लाह। तो खैर रिवर्स करवाते हैं वापसी ये राइड और अब आप लोगों को मिलते हैं हॉस्टल पहुँच के, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है ज़्यादा एक तो वैसे ही मुझे इतनी ज़्यादा एलर्जी है हॉस्पिटल से कि कोई हाथ भी लग जाए तो भाई बाकी जरा सीम वगैरह इसे मैं पहन लूँ तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो मैं ज़्यादा कैमरा यूज़ भी नहीं कर रही। तो खैर आप लोगों को मिलते हैं डायरेक्ट लाइट करवाने के बाद। अच्छा ओके लाइट करवाते हैं फिर चलते हैं। ओके चले मेरे पापा को मिलते हैं लाइट करवाने के बाद।
अब राइड करते हैं। तो फाइनली मैं बस राइड में डाल चुकी हूँ, तो बस अभी चलते हैं बाहर, राइड ढूंढते हैं कहाँ पे आइए कहाँ नहीं। चले अच्छा ओके, तो चले व्यूअर्स अभी चलते हैं वापसी। हम राइड बाइड आ चुके हैं, पापा को मिलते हैं डायरेक्ट अपने हॉस्टल पहुंच के। तो फाइनली व्यूअर्स हम लोग हॉस्पिटल से तो फ्री होके वापस आ चुके हैं। और अच्छा जो इस टाइम अपने ऊपर रूम में रेस्ट कर रही है, और उसकी तबीयत व्यूअर्स काफी ज्यादा बीमार है वो, तो आप सब इसके लिए स्पेशल दुआ कर रहे हैं, उसे स्पेशल अपनी दुआ में याद रखें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। तो खैर व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा थक गई हॉस्पिटल में, तो आपको पता है वैसे ही मरीजों को देखते कि वैसे ही इंसान की हालत ख़राब हो जाती है, तो बहन की भी इस हालत ख़राब हो रही है। तो चले व्यूअर्स इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो होती है मुलाकात इसी तरह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।